हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की, जो कि आया हुआ है कन्नूर यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, या इनफैक्ट आपको नोटिफिकेशन को देखने के लिए, सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है kannooryuniversity.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट की भी, एंड ऑल्सो जो बाकी पेजेस हम विजिट करेंगे उसके भी डायरेक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो येस, डू चेक इट आउट। So, इस पर्टिकुलर वेब पेज पे, वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आप स्क्रॉल जब करेंगे तो यहाँ पे यू विल सी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ रिसर्च। सो यस, आपको इसी को सेलेक्ट करना, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, देन ओपन होगा ये डेडिकेटेड पोर्टल जो कि रिसर्च डायरेक्टोरेट का है या उससे रिलेटेड है। सो research.kannooryuniversity.ac.in स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको रिसर्च से रिलेटेड न्यूज दिख रही है, ठीक है। इसी में हमें न्यूज मिलेगी, बट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल हो रहा है, सो हम व्यू मोड न्यूज पे क्लिक करेंगे एंड देन यहां पे आपको देखने को मिलेगा पहले 30 सितंबर डेटेड कुछ और नोटिफिकेशन है, एंड देन 25th ऑफ सितंबर डेटेड है ये नोटिफिकेशन। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2021-2022 इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। सो दोनों ही टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया, या उनसे एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है। तो आप रीड मोड पे क्लिक कर सकते हैं, इससे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये पीडीएफ का लिंक है डाउनलोड करने का, और आप गो टू वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। सो हम इस पे पहले क्लिक करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है, इससे भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम उसमें सीट्स देखेंगे, बट सब्जेक्ट्स को हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट से डायरेक्टली देख सकते हैं। सो गो टू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इसी के थ्रू करना है आपको अप्लाई, एंड यस यहां पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसे हम करेंगे, देखिए ये है एप्लीकेशन पोर्टल जैसा मैंने बोला, एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन है, दिस वन सब्जेक्ट इन विच पीएचडी रजिस्ट्रेशन इज सॉट, ओके। सो इस पे हम क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट्स को पहले देख लेंगे, बिकॉज यस ईट ट्वाइस डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। सो एनी वेज, एंथ्रो, देन अरेबिक, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, देन कन्नड़, देन लॉ, लाइब्रेरी साइंस, लाइफ साइंस, मलयालम, मैथमेटिक्स, देन मॉलिकुलर बायोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी, देन फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। सो ये हैं आपके सब्जेक्ट, जिनमें से अगर किसी में भी आपको करना है पीएचडी तो आप कर सकते हैं अप्लाई। इस पोर्टल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन और देखते हैं सीट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन को। सो यस, ये है नोटिफिकेशन कन्नूर यूनिवर्सिटी, 25th ऑफ सितंबर 2021 डेटेड है ये नोटिफिकेशन। सो एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स, दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सो मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, या फिर इक्वलेंट ग्रेड बी है यूजीसी 7-पॉइंट स्केल में, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में हमारे कैंडिडेट्स हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू मे ऑल्सो अप्लाई, क्लियरली यहाँ मेंशन है एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ एवर, कोर्स वर्क प्रोग्राम से पहले या इनफैक्ट एडमिशन के टाइम आपको मार्कशीट और बाकी डिटेल्स आप प्रेजेंट करनी होगी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने होंगे इन फ्रंट ऑफ द कमिटी, करेक्ट। देन 5% का रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एंड डिफरेंटली एबल पर्सन, और बाकी जो भी अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली रिजर्व हैं स्टेट के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। देन एंट्रेंस टेस्ट, सो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है? 100 मार्क्स का टोटल होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस सीएसआईआर या यूजीसी नेट का है तो उसे फॉलो किया जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? देखिए दो पार्ट्स होने हैं, पहला पार्ट 50 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट भी 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। सो पार्ट वन में या पार्ट ए में आपके एमसीक्यूज ही होंगे, सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एक्सेट्रा, इन सबसे रिलेटेड। पार्ट बी 50 मार्क्स का है, आपके सब्जेक्ट का होगा, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, एंड आपको 50% मार्क्स लाने होंगे सो दैट आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। और बाकी ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस, ओके वेट, ओबीसी एनसीएल देन ईडब्ल्यूएस एंड डिफरेंटली एबल्ड के लिए 45% एंड 40% एससी एसटी के लिए, ठीक है। एंड यस, री इवैल्यूएशन नहीं होगा, जो मार्क्स एक बार मिल जाएंगे वो फाइनल है। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? सो यस, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड, सो जिन्होंने
जेआरएफ किया है या लेक्चररशिप है, दैट इज़ नेट एलएस क्वालिफाइड है या गेट आपने क्वालिफाई किया है, एंड नेट आपने किसी भी एजेंसी के द्वारा जो कंडक्ट करा जाता है वो क्वालिफाई किया हो, तो आप एलिजिबल हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, आप अप्लाई करेंगे बट आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। एंड ऑल्सो या फिर किसी कोई और कैंडिडेट जिन्हें रिसर्च फेलोशिप मिलेगी 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए, सो इंस्पायर आई कैन से, तो आप भी एग्जेम्प्टेड होंगे। एडमिशन के लिए उसके बाद बाकी क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। ड्यूरेशन मिनिमम 3 ईयर्स का होता है, यू नो दैट, एंड देन प्रोसीजर क्या है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं 25 सितंबर से 11th ऑफ अक्टूबर तक। सो लास्ट डेट इज 11th ऑफ अक्टूबर 2021। वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पोर्टल मैंने दिखा दिया। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा, एप्लीकेशन फी इज ₹650 जो कि SBI कलेक्ट के थ्रू आपको ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन फी पेमेंट SBI कलेक्ट से आप लिंक को विजिट कर सकते हैं, राइट। जो प्रिंट आउट है आपके एप्लीकेशन का, उसे अटेस्ट करके आपको भेजना भी है। 6.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली अटेस्टेड विद रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद रिसीट इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल रिसीप्ट होगी, जो फी रिसिप्ट एप्लीकेशन फी रिसिप्ट वो ओरिजिनल होगी, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स अटेस्टेड होने चाहिए, एंड जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी। ये सभी आपको भेजना है दी डायरेक्टर, देन बाकी ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, एंड ये 15th ऑफ अक्टूबर 2021 5 PM से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। सो अगर ऐसा हो पाए तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। एंड इनकम्प्लीट होगा तो आपको पता है, या फिर लास्ट डेट के बाद पहुंचा, 5 के बाद 6 बजे भी पहुंचा, तो वो रिसीव वो मींस रिजेक्ट हो जाएगा। देन यहां पे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको भेजने हैं साथ में, तो देख लीजिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। जो कवर होगा, एनवेलप होगा, उस पर ये लिख दीजिएगा, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, एंड प्लीज सब्जेक्ट अपना स्पेसिफाई कर दीजिएगा। देन हॉल टिकट से रिलेटेड यहां पे इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। मैंडेटरी कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ और कंडीशंस लिखी हैं, रेगुलेशंस को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज, सो टेंटेटिव वैकेंसीज अंडर ईच रिसर्च सुपरवाइजर्स, और सुपरवाइजर्स के नेम भी हैं, उनके एरिया भी लिखे हुए हैं, एरिया नहीं, आई मीन उनका बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हैं किस स्कूल में, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनके अंडर कितनी सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं PhD के लिए, वो लिखा है सेपरेटली, एंड देन टोटल लिखा है सब्जेक्ट में। तो गाइज हम डिस्कस करेंगे जो टोटल सीट्स हैं, ऑब्वियसली उन्हें आप बाकी किस प्रोफेसर के अंडर या किस फैकल्टी मेंबर के अंडर कितनी सीट हैं, और किस पर, आप बाकी जाकर के वेबसाइट पर विजिट करके देख भी सकते हैं कि एरिया क्या है, ठीक है। सो इसे चेक कीजिएगा। सो एंथ्रो की बात करें, टोटल 15 सीट्स है, अरबिक में 2 है, बायोकेमिस्ट्री 4, देन बॉटनी में है टोटल 6 सीट्स, केमिस्ट्री में टोटल 23 सीट्स हैं, देन है कॉमर्स, कॉमर्स में एक भी सीट नहीं है, ठीक है, कॉमर्स 0, इकोनॉमिक्स में टोटल 6 सीट्स हैं, देन एजुकेशन में 5, इंग्लिश में 4, देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज जिसमें कि एक भी सीट नहीं है, देन ज्योग्राफी में 4, जियोलॉजी में सिर्फ 1 है। एंड वन मोर थिंग, कि ये जो एड्रेस भी लिखा है जैसे फैकल्टी है, तो यहाँ पे कासरगोड है, देन इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैंपस से रिलेटेड लिखा हुआ है, तो इसे भी देख लीजिएगा, राइट। देन हिंदी में टोटल 17 सीट्स अवेलेबल हैं, हिस्ट्री में है 5 सीट, उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज IT और CS, तो इसमें टोटल 11 सीट है। देन मास कॉम एंड जर्नलिज्म में एक भी नहीं है, कन्नड़ में 4 सीट्स है, देन लॉ में 4 है, फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में सिर्फ 1 ही है, लाइफ साइंस में टोटल 32 सीट्स अवेलेबल हैं, मलयालम में है 9, देन मैनेजमेंट स्टडीज में एक भी नहीं है, सो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स 0 सीट्स, मैथमेटिक्स में है 15, एंड देन मॉलिकुलर बायोलॉजी 5, म्यूजिक 0, फिलोसफी 4, फिजिकल एजुकेशन 13, देन फिजिक्स में 7 है, पॉलिटिकल साइंस 2, साइकोलॉजी अगेन 0, देन संस्कृत 6, स्टैटिस्टिक्स में 9 सीट्स हैं, देन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 0, जूलॉजी में है टोटल 10 सीट्स। सो येस दैट इज इट, ये सीट्स थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।